कटनी के एनकेजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली वन विभाग की सरसवाही नर्सरी में काम करने वाले चौकीदार की अर्धनग्न अवस्था में लाश पाई गई। मृत अवस्था में पाए गए चौकीदार के शरीर पर चोट के निशान भी मौजूद है। घटना की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। आनन फानन में घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों और परिजनों ने चौकीदार की हत्या कर पंप हाउस में लाश फेंके जाने की आशंका जताई है। जानकारी मिलते ही मौके पर एनकेजी थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए एनकेजी थाना प्रभारी नीरज दुबे ने बताया कि एनकेजी थाना अंतर्गत ग्राम सरसवाही निवासी 45 वर्षीय अजय त्रिपाठी वन विभाग की सरसवाही नर्सरी में चौकीदारी का काम करता था। वह रात में नर्सरी में चौकीदारी कर रहा था। आज सुबह उसका शव नर्सरी के पंप हाउस में पाया गया। अजय का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला है और उसके शरीर पर मिले निशान परिजनों के कहे अनुसार पुराने हैं। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। वही स्थानीय लोगों और परिजनों ने आशंका व्यक्त की है कि अजय की हत्या की गई है। आज सुबह एक सूचना मिली थी कि एक नर्सरी है सरसवाही में फॉरेस्ट विभाग की, उसमें एक पंप हाउस है जहाँ पे उसी के चौकीदार की डेड बॉडी प्राप्त मिली है। जिस पे सूचना पे तत्काल सूचना गांव वालों के द्वारा दी गई थी, उनके परिजनों के द्वारा, जो 8:30 बजे हम लोग यहाँ पे उपस्थित हो गए थे। और प्रथम दृष्टया देखने पे यह लग रहा है कि वह सुबह नहाने अपनी रूटीन के अनुसार आता था और वही नहाने के लिए वो पंप चालू करने आया था जिसमें उसको करंट लग गया। सर उसके पैर में जैसे निशान है, पैर में निशान जो है वो उनके परिजनों से बात किया है तो वो पुरानी चोटों के निशान बता रहे हैं और एक एक्सीडेंट हुआ था उसमें कुछ चोटें हैं, पुरानी चोटें हैं काफ़ी, अभी नई की तो अभी हम लोग बाकी पीएम आने के बाद हम लोग पूरा बता पाएंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि पूर्व में 6 महीने पहले से मारपीट करके इससे हत्या करने का प्रयास किया गया। नहीं, ये कोई सूचना हम लोग के पास नहीं है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।